वेलकम बैक दोस्तों, टेक्निकल नितिन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जहाँ पर मैं अपाचे सर्विस जब स्टार्ट नहीं होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्फिग पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पे दिखाई दे रहा है आपको अपाचे http.conf, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाइए। उसके बाद यहाँ पे जो लिसन 80 यहाँ पे जो पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको चेंज कर दीजिए, इसको 121 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एफ कर दीजिए, यहाँ पे टाइप करिए 80, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे और एक 80 पोर्ट है, इसको भी रिनेम कर दीजिए 121, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, अब फाइंड नेक्स्ट, इसको जैसे ही वैसे रहने दीजिए, ठीक है। कंट्रोल यस करके इसको सेव कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे पोर्ट चेंज हो गया है 121, ठीक है। अभी MySQL स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी सर्विस अभी प्रॉपर रन हुई कि नहीं देखने के लिए एडमिन पे क्लिक कर लीजिए। अभी यहाँ पे हमने पोर्ट चेंज किया है, इसके लिए ऐसा एरर आ रहा है। अब हम यहाँ पे पोर्ट डालते हैं 121 और फिर एंटर कर दीजिए, ठीक है। हमारी अपाचे अभी सर्विस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। PHP MyAdmin पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अभी फाइल रन हो गई है। उसके बाद XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं, स्टॉप करते हैं सर्विसेज को, इसको क्लोज करते हैं। अभी ये यहाँ से क्लोज नहीं होगा, ठीक है। हमें एक टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए टास्क बार पे राइट क्लिक कर लीजिए, टास्क मैनेजर। XAMPP, इसको राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दीजिए, ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन कर दीजिए। XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड की विंडोज की प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे रिसेंट में आ गया है। अगर आपके रिसेंट में नहीं आता है तो यहाँ पे सर्च करिए XAMPP। उसके बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, उसको यस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फिग फाइल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे अपाचे मेन पोर्ट, यहाँ पे 121 टाइप करना है और इसको सेव कर दीजिए, सेव, और इसको भी क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर, यहाँ पे इसको अभी सर्विस को स्टॉप करना है। XAMPP कंट्रोल को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड टास्क। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। अभी वापस एक बार XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करना है। नॉर्मली XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड की विंडोज की प्रेस करिए। यहाँ पे टाइप करिए XAMPP, यहाँ पे सर्च लिस्ट में आ जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए। उसके बाद अपाचे स्टार्ट कर दीजिए, MySQL भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वापस एक बार एडमिन पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे पोर्ट नहीं डालना होगा, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PHP MyAdmin पे क्लिक कर लीजिए, तो आपकी यहाँ पे PHP MyAdmin भी ओपन हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने अपाचे का एरर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।